स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ क्रिकेट मैच हरभजन टुक 3 विकेट लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय द जहीर। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय द दिस टू इज अ 20। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, हरभजन ने टेकन विकेट की है वो कितनी की है रिस्पेक्ट टू जहीर। जहीर ने कितनी विकेट ली है और लेट कंसीडर जहीर टेक एक्स विकेट। जहीर ने एक्स विकेट ली है और हरभजन टेक क्या है 3 विकेट लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द टेकन बाय द जहीर। ओके, सो हरभजन टेक टेक 2x-3। Now, the product of this product of the number of the wicket which is taken by these two is any key number of wicket taken by Jahir into number of wicket taken by हरभजन इज इक्वल टू 20। सिंपली इस फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एक्स जहीर ने विकेट लिए, हरभजन ने 2x-3 विकेट लिए इज इक्वल टू कितना है 20 होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x2 एक्स इंटू 3 तो -3x-20 सॉरी प्लस इज इक्वल टू 20 के इस साइड आएगा तो क्या होगा therefore 2x2-3x = -20 = 0 ये आपका आंसर होगा। और यदि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो 20 × 2 करो। ओके, 20 × 2 यानी कि ऐसे फैक्टर जिसका 40 के जिसका डिफरेंस क्या मिले हमें 5 मिले तो 8 5 जा होता है। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं 2x2-8x + 5x - 20। फर्स्ट टू टर्म में से टू एक्स कॉमन निकालो तो 2x = x-4 बच गया यहाँ पे। और यहाँ से 5 कॉमन निकालो तो क्या बचे x-4 = 0। ओके, नाउ 2x + 5 और x-4 = 0 तो 2x + 5 = 0 और 2x = -5 और x = -5/2 ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे x-4 है तो x-4 = 0 तो x = क्या होगा 4 होगा। ओके, तो जहीर ने x विकेट ली यानी कि 8 विकेट 4 विकेट लिए और हरभजन ने कितने लिए तो विकेट टेकन बाय जहीर = 4 एंड विकेट टेकन बाय हरभजन हरभजन इज आर 2 (4-3) यानी कि 2 × 4 = 8, 8 - 3 करोगे तो कितना होगा 5। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।